आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज को नालंदा से है। इन दिनों नालंदा मानो क्राइम का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। रोज वहां कई प्रकार के आपराधिक घटना प्रकाश में आते रहते हैं। एक बार फिर से नालंदा सुर्खियों में आ गई है अपनी आपराधिक घटनाओं के कारण। नालंदा जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। कभी तो महज 72 घंटों के अंदर 4 लोगों की हत्या हो गई। ताजा मामला दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के दीपनगर बाजार की है, जहां महज मरीज दिखाने के विवाद को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद आक्रोशित होकर मरीज के परिजनों के द्वारा डॉक्टर समझकर कंपाउंडर पर धारदार चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में कंपाउंडर, RMP, डॉक्टर समेत 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें RMP डॉक्टर विजय शर्मा इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक स्थिति में रेफर कर दी गई। तीसरे का इलाज बिहार शरीफ सदर अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार जिस वक्त चाकू से RMP डॉक्टर कंपाउंडर पर हमला हुआ था, उस वक्त उस इलाके की बिजली भी गुल हो गई थी, जिसे कहीं ना कहीं या घटना प्री प्लान बताया जा रहा है। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के ग्रामीणों और परिजनों को लगी तो अस्पताल में पूरी भीड़ उमड़ पड़ी और उग्र भीड़ ने इलाज कराने आए आरोपी के ऊपर ही हमला करना चाहा, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी, जिसके घर मॉब लिंचिंग की घटना घटने से रुक गई। फिलहाल मौके की नजाकत को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। SP, DSP, इंस्पेक्टर स्वयं मोर्चा संभाल रहे हैं। जानकारी यही मिली कि जो कि हमारे भाई और डॉक्टर साहब राजू मेरा भाई हुआ, और ये दोनों को चाकू मार दी। पहले डॉक्टर साहब जो श्रीराम नगर के बताया जाता है अमित कुमार, और उनके पिताजी के अरुण महतो, और जो मेरा भाई एक भतीजा लग जो लगता है वो जीवन ज्योति में फंसती है। क्या हालत है? अब गंभीर रूप हालात अभी है, लेकिन बहुत में नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर साहब श्री विजय शर्मा जी को मौत हो चुकी है। तो विवाद हुआ था क्या? जी नहीं, कुछ भी विवाद नहीं हुआ था। क्या अगला तमन्ना शाही मारने के लिए, जो किसी को अभी तक जानकारी नहीं है, वो 3 से बताया जा रहा। क्या नाम है आपका? मनीष चंद्र कुशवाहा। ये विजय कुमार शर्मा जी हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। ये दीपनगर बाजार में मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। मौके वारदात से जो घटना में इन्वॉल्व थे, उनकी अरेस्टिंग भी हो गई है और एक दो और इंजर्ड हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट हम लोग करवा रहे हैं। सर हंगामा हंगामा भी कर रहे थे कुछ, इनके जो परिजन थे उन लोगों का कुछ आक्रोश था अपना घटना को लेकर। सर कितने लोगों को चाकू मारा है? सर 2 और हैं जिनका एक का इलाज हो रहा है जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, और RMP की मौत हो गई है। एक हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है, उनका भी ट्रीटमेंट हम लोग करवा रहे हैं, कुछ चोट लगी थी। अपना दीपनगर बाजार की है, ये क्लिनिक खोले हुए हैं, छोटा मोटा डॉक्टर हैं, इलाज करते हैं नॉर्मल बीमारी का। वो एक लड़का श्रीराम नगर का था, उसका नाम नहीं जानते हैं, वो आया था अपने चाचा को इलाज कराने के लिए। उसी बीच में इनसे जल्दी कहा कि जल्दी देखिए, बढ़िया से देखिए, तो बोला कि हम देख लिए बाबू, तुम जाओ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहा कि पैसा दो, तो नहीं दिया। शायद इसी में कुछ विवाद हुआ, तो फिर बाद में 3-4 लड़का बुला के और भी बुला के छुरा मार दिया इनको। कितने लोग को मारा है? जख्मी 3 लोग हैं, एक के।